हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपको पता है ईद आने वाली है बहुत ही जल्द, तो मैंने कहा शीर खुरमा की रेसिपी हम अमिताज किचन में बनाते हैं। और चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए सेवियाँ ली हुई है मैंने, 1 कप सेवियाँ हैं, 1/2 कप शुगर ली हुई है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स। देखिए इसमें काजू, बादाम और पिस्ता और देखिए चिरौंजी, ये सब मैंने लिया हुआ है। एक एक अराउंड समझ लीजिए 1 टेबल स्पून है, कोई 1.5 टेबल स्पून है, इसमें फिक्स्ड कोई नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट जितना डालना चाहते हैं। और ये देखिए 5 से 6 छोटी इलायची, मैंने इसको पीसी हुई है, एंड देसी घी लिया हुआ है सेवियाँ भुनने के लिए। ये देखिए ये केसर थ्रेड्स हैं 10 से 12। ये खजूर लिया हुआ है मैंने 7 से 8, सॉफ्ट वाले खजूर लिए हुए हैं और उसका बीज निकाल के छोटा छोटा काट लिया है इसको। और ये किशमिश है, किशमिश आप अंदाजे से देख लीजिएगा कितना डालना है, 15 से 20 या अराउंड ऐसे ही किशमिश है। तो और देखिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, क्योंकि ये अगर आप फुल फैट मिल्क में ही बनाइएगा तभी उसका स्वाद आएगा, क्योंकि इसका क्रीमी टेक्सचर होता है तो उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं और हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, एक इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा, उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे। और इसके बाद देखिए हमने गैस ऑन करी है, मैं इसको ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेती हूँ। इसके लिए देखिए मैं देसी घी डालूँगी अराउंड 1 टेबल स्पून। और एक बात का ध्यान रखना, ड्राई फ्रूट्स अब जब आपको रोस्ट करने हैं जरा सा घी मेल्ट होने दीजिए और उसके बाद स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं हमने ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे होंगे तो वो ड्राई फ्रूट तुरंत जल जाते हैं और उस वो सारा दूध का कलर भी ख़राब करेंगे। इसलिए देखिए मैंने हल्का सा ऑयल गर्म हो गया है, इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया है। अब इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इसको हल्के हल्के से इसको हिला के सारा रोस्ट कर लेंगे। किशमिश मैंने नहीं डाला अभी, किशमिश को मैं बाद में करती हूँ, जब इसको रोस्ट हो जाए 3/4 तो उसके बाद किशमिश आप डाल लीजिए, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाता है। ये देखिए इसको स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के हिलाते रहेंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ज़रा सा मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ये देखिए ये खजूर भी ऐड कर देती हूँ इसमें। ये देखिए इसको अच्छे अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट होने लग गए, इस टाइम पे हम इसमें ये किशमिश भी डाल देंगे, क्योंकि किशमिश को कम टाइम चाहिए होता है और मुझे को अराउंड थोड़ा सा टाइम इसको और भूनना है। एक अच्छी सी देखिए भुनने की स्मेल भी आने लग गई है ड्राई फ्रूट्स की। ये देखिए बस इतनी देर में हमारे किशमिश भी हो जाएंगे। और इधर देखिए ये जो मैंने केसर रखा हुआ था ये, तो इसमें मैं इधर दूध बॉईल हो रहा है इसको भी मैं साथ साथ हिला रही हूँ, और ये दूध का थोड़ा सा गर्म दूध ये केसर में डाल के ये देखिए इसको मैं यही साइड में रख देती हूँ, ना केसर अच्छे से अपना रंग छोड़ देगा। ये देखिए हमारा ये देखिए अच्छे से ड्राई फ्रूट का कलर देखिए आप, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है भुनने की, कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इस टाइम भी हम गैस बंद कर देंगे और ड्राई फ्रूट को एक किसी भी चीज में निकाल के रख देंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल दिया टिश्यू पेपर के, इसको भी साइड में रख देते हैं अब हम। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हम इसको साथ साथ हिलाते जा रहे हैं कि जिससे कि नीचे ना लगे। एक तो तला बहुत मोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, और किनारे किनारे जो ये मलाई खट्टी होती जा रही है, जमा होती जा रही है, इसको बीच में करते चले जाएंगे। और इधर देखिए मैंने अब इधर ये ऑयल डालेंगे, अब मैंने अब ये अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें ये सेवियाँ डालेंगे और इनको हल्का सा, वैसे तो ऑलरेडी ये रोस्ट हैं सेवियाँ, और हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये
डालते रहेंगे, बस थोड़ा सा इसका कलर हमारा चेंज हो जाए, एक स्मेल आने लगे इस भुनने की। वैसे तो मैंने ये रोस्टेड वर्मिसेली ली है पर ऑलरेडी, पर थोड़ा इसको घी में फ्राई करेंगे। अराउंड एक मिनट इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको हल्के हल्के से रोस्ट कर लेना है। और उधर साथ साथ मैं दूध को भी हिलाती रह रही हूँ कि साइड में ना लगे। और दूध हमें इतना उबालना है कि एक लीटर मिल्क अराउंड हाफ लीटर हो जाए। पहले हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखिए ये सीवियाँ हमारी बस स्मेल आने लगी है भुनने की बहुत अच्छे से। ये देखिए अभी दूध को हम 10 मिनट बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम ये सेवियां दूध में ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है, ये देखिए भुन गई है अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ये सेवियां। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो ये ऑलरेडी भुनी हुई थी। बस इस टाइम पे हम इसको बंद कर देंगे और हम दूध को 10 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। उसके बाद ये वर्मिसेली में जो रोस्टेड है ये हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारा मिल्क आधा करीब अराउंड, इसको मैंने 10 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इस टाइम पे इसमें देखिए ये 3/4 हो गया है जितना था एक लीटर से। अब मैं इसको इस टाइम पे इसमें ये रोस्टेड वर्मिसेली में ऐड कर दूँगी। इसमें अच्छे से और इसको अब हम उबाल लेंगे, अच्छे से बॉईल करना है। अब हमने ये देखना है कि अभी ये 1/4 दूध का रेशियो कम हुआ था, अब ये बिल्कुल हाफ हो जाए 1 लीटर का, तो अराउंड तब तक अभी हमें इसको वर्मिसेली को भी पकाना ही है। तो अब हम इसको अराउंड 10 से 12 मिनट इसको और अच्छे से चला लेते हैं। और चलाते रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि साइड में जो मलाई आ रही है ना उसको उतारते रहेंगे, बीच में करते रहेंगे इसी तरीके से नीचे से। इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जैसे कि दूध लगे बिल्कुल ना। ये देखें इसके बाद हम चलिए इसको 10 मिनट अराउंड इसको अच्छे से उबाल लेते हैं और अच्छे से, उसके बाद फिर हम इसको बाकी इसकी प्रिपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ये दूध आधा हो गया है बिल्कुल, मैंने 10 मिनट अराउंड इसको बॉईल कर लिया। ये देखिए वर्मिसेली लगभग हमारी बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे हम इसमें ये जो शुगर थी हाफ कप, शुगर इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि खजूर भी हमने डाला है, खजूर में भी अपनी एक मिठास होती है। और ये देखिए हम शुगर डाल लिया और इसके साथ साथ हम ये पिसी हुई इलायची रखी थी हमने, ये छोटी इलायची डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गरम दूध है, शुगर तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा देखिए साथ में। अब इतना अच्छा टेक्सचर है, ये देखिए दूध साथ साथ, ये देखिए साइड साथ इसका किनारे पे इसको उतारते जाना है। ये हमारा ये देखिए अब हम डाल देंगे इस टाइम पे ये केसर। केसर भी डाल दिया हमने और इस समय हम ये सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट अराउंड इसको हम फिर से पका लेंगे जिससे शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारा शीर खुरमा तैयार है बिल्कुल। हम इसको 2 मिनट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इसको मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इस बारी और बताइएगा कि आपके सब फ्रेंड्स को फैमिली को सबको कैसी लगी। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और चलिए मेरा तो शीर खुरमा तैयार हो गया, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड्स
ये इसको मैंने सर्व कर दिया है, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी बनाइए, ट्राई करिए और आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अगर आप मेरे और भी वीडियोस देख रहे होंगे वो भी आपको कैसे लग रहे हैं, तो अगर अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन हैप्पी ईद टू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।